नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अप्रैल महीने के दूसरे सप्ताह यानी कि अप्रैल के सेकेंड वीक के जो आपके टॉप करेंट अफेयर हैं उन पर, ठीक है, यानी कि 8 से लगाए 14 अप्रैल तक के जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर हैं उन पर चर्चा करें इस वीडियो में। और इन सभी प्रश्नों को जो है देखिए संक्षिप्त में देखेंगे यानी कि शॉर्ट में देखेंगे, और ये आपका रिवीजन क्लास है। बाकी आपका जो डेली करंट अफेयर सेशन होता है उसमें आपको मैं बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें बताता हूँ। तो जो लोग डेली करंट अफेयर नहीं देखते हैं तो देखिए 5 बजे डेली आपको जो है वीडियो प्रोवाइड की जाती है डेली करंट अफेयर की। तो इस चैनल को इसके लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसका अपडेट मिलता रहे, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं अप्रैल महीने के सेकेंड वीक के जो है टॉप करेंट अफेयर्स की। देखिए, इस वीडियो में टोटल हम 56 यानी कि टोटल 56 करेंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे, और ये सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और इनके एग्जाम में आने के जो है चांसेस जो है लगभग 100% है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की PDF लिंक मिल जाएगी, और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में घंटे वाला आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको इस चैनल के सारे अपडेट ऑटोमेटिक मिलते रहें, और वीडियो को लाइक करके इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, जितने भी प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अगर आपको उनके उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, क्योंकि ये रिविजन क्लास है। अगर आप साथ में आंसर देते हैं तो आपका रिविजन भी होते चलेगा, और आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर जो है कभी भूलेंगे भी नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, आंसर बताइए इसका। देखिए, जो आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल, और इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। और 2020 के वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम है सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ्स। दूसरा प्रश्न है कि किस व्यक्ति को साल 2020-21 के लिए नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी यानी कि नैसकॉम का नया चेयरपर्सन बनाया गया, इनका नाम बताइए। देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं UB प्रवीण राव। याद रखना है कि UB प्रवीण राव को अभी हाल ही में 2020-21 के सत्र के लिए नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी यानी कि नैसकॉम का नया चेयरपर्सन बनाया गया है, और इनके साथ में एक और नियुक्ति हुई है नैसकॉम में उपाध्यक्ष पद पे। देखिए, अभी हाल ही में रेखा मेनन को भी जो है 2020-21 के सत्र के लिए नैसकॉम का उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो इन दोनों का नाम याद रखिएगा। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रिल का COVID-19 के कारण निधन हो गया। देखिए, जो आपके महमूद जिब्रिल थे ये जो है लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे, और कोरोना वायरस से जो है इनकी मृत्यु हो गई हाल ही में। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने COVID-19 से निपटने के लिए किस पहल की शुरुआत की है। देखिए, ये पहल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पहल का नाम है लाइफ लाइन उड़ान। और इसका मोटो क्या है, देखिए आपने देखा होगा कि जो पर्वतीय इलाके हैं हमारे भारत के, ठीक है, वहाँ पर अगर हम बस या फिर जो है छोटी गाड़ियों से दवा की सप्लाई करें तो दवा को जो है अपने टारगेट तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अपने जितने भी एयरलाइंस वगैरह, ठीक है, तो उनके जो प्लेन्स वगैरह हैं उनका यूज़ करने के लिए एक परमिशन दिया है इस लाइफ लाइन उड़ान के माध्यम से, ताकि हवाई जहाज से जल्दी से राहत सामग्री वहाँ भेजी जाए, और कोरोना वायरस से लड़ने में जो है फिर हमें मदद मिल सके और क्विक रिलीफ लोगों को पहुँच सके। तो ये मोटो है लाइफ लाइन उड़ान का, इसको याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता बनाया गया है। तो देखिए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चेंज हो गए हैं, अब अनुराग श्रीवास्तव जो है विदेश मंत्रालय के जो है नए प्रवक्ता बन गए हैं, और इन्होंने इस पद पर रवीश कुमार का स्थान लिया है। छठा प्रश्न है कि हाल ही में कैबिनेट ने कोरोना वायरस संकट के बीच कितने साल के लिए सांसद निधि को स्थगित करने का निर्णय लिया है। तो देखिए, जो आपकी सांसद निधि है ये 2 सालों के लिए स्थगित हो गई है, और आपको बता दूं सांसद निधि क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो आपकी सांसद निधि है, देखिए जितने भी संसद के सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है, तो उनको सांसद निधि के रूप में हर साल 5 करोड़ रुपए प्रदान किए जाते हैं, और इस पैसे का ये यूज करते हैं अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए। लेकिन अब 2 सालों तक किसी भी सांसद को जो है ये रकम नहीं मिलेगी, और इस साल जो है कितनी रकम इकट्ठी होगी, टोटल 7,900 करोड़ रुपये, और इसको जमा किया जाएगा संचित निधि में भारत सरकार के, और इसका उपयोग किया जाएगा कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत कोरोना वायरस का मुफ्त परीक्षण और उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो देखिए, जो भारत की केंद्र सरकार है इसने भी हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के तहत कोरोना वायरस का मुफ्त परीक्षण और उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया है, और भारत सरकार के इस निर्णय के द्वारा अब जो आपका आयुष्मान भारत योजना है इसके लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों को जो है निर्दिष्ट निजी अस्पतालों में मुफ्त में जो है कोरोना वायरस का टेस्ट और उसका ट्रीटमेंट जो है इसकी सुविधा मिल पाएगी। आठवां प्रश्न है कि किस देश के पूर्व टेस्ट स्पिनर स्टीफन ओफीकी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से हाल ही में संन्यास ले लिया है।
तो देखिए, जो आपके स्टीफन ओकीपी हैं, ये जो है प्रथम श्रेणी के क्रिकेट के प्लेयर थे ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है कुल 9 टेस्ट मैच खेले थे, जिनमें इन्होंने कुल 35 विकेट लिए थे। नवा प्रश्न है कि हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के बीच 2 महीने में भारत के किस अमीर शख्स की नेटवर्थ 1.44 लाख करोड़ रुपये घटी है। तो देखिए, हमारे भारत में एक ही अमीर हैं जिनका नाम है मुकेश अंबानी, और इस समय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चैरिटी का काम कर रहे हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। तो देखिए, मुकेश अंबानी जो है, इनकी संपत्ति पिछले 2 महीनों में 1.44 लाख करोड़ रुपये घटी है, और ये जो है अब वैश्विक अमीरों की सूची में जो है 8 पायदान फिसल कर 17वें स्थान पर आ गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। 10वां प्रश्न है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए किस देश की तर्ज पर 5T प्लान लॉन्च किया है, आंसर बताइए। देखिए, जो आपका ये 5T प्लान है, ये कॉपी किया है इन्होंने दक्षिण कोरिया से। और 5T में जो 5T है इनका मतलब क्या है, देखिए, पहले टी का मतलब है टेस्टिंग, दूसरे का मतलब है ट्रेसिंग, तीसरे का मतलब है ट्रीटमेंट, चौथे का मतलब है टीम, और पांचवे का मतलब है ट्रैकिंग, ठीक है। तो ये आपका है 5T प्लान, ये चीज़ आपको याद रखना है। और 11वां प्रश्न है कि किस राज्य की पुलिस ने होम क्वारंटाइन लोगों को ट्रैक करने के लिए रक्षा सर्व नामक एक ऐप विकसित किया है। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है छत्तीसगढ़, ठीक है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ की पुलिस ने जितने भी होम क्वारंटाइन लोग हैं उनको ट्रैक करने के लिए एक रक्षा सर्व नामक ऐप विकसित किया है। और छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, देखिए, छत्तीसगढ़ के सीएम हैं भूपेश बघेल जी, यहाँ की राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके जी। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मोहाली शहर की पुलिस के द्वारा कोविड कंट्रोल नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, इसका आंसर बताइए। देखिए, आपको पता होना चाहिए जो आपका मोहाली है, ये आपका जो है पंजाब का एक शहर है, और वहाँ की जो पुलिस है इसने जो है कोविड कंट्रोल नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन हाल ही में विकसित किया है। और इस कोविड कंट्रोल नामक मोबाइल एप्लीकेशन को जो है जितने भी क्वारंटाइन किए गए लोग हैं उनको जो है अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना, यानी कि डाउनलोड करना जो है अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि उनकी स्थिति लोकेशन जो है पता चलती रहे इस ऐप में। और 13वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में किसी जानवर के कोरोना पॉजिटिव होने का पहला मामला सामने आया। देखिए, ये प्रश्न जो है इसकी मैं 500% गारंटी लेता हूँ, आप ध्यान सुनिएगा इसका आंसर क्या है। देखिए, ये देश आपका है अमेरिका, और कौन सा जानवर था, जानवर था एक जो है मादा मलायन टाइगर, ठीक है, जिसका नाम था नाडिया। तो नाडिया को कोरोना वायरस हो गया था, और ये जो है मतलब इसकी मृत्यु भी हो गई कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण। तो अभी हाल ही में अमेरिका के न्यूयॉर्क के ब्रोक चिड़ियाघर में एक 4 वर्षीय मादा मलायन टाइगर, इसका नाम था नाडिया, इसको कोरोना वायरस टेस्ट में जो है पॉजिटिव पाया गया था, ठीक है। और 14वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में तितली एवं उसके पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए राज्य के तिरुचिरापल्ली में ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी का जो है विकास किया गया। तो देखिए, ये राज्य आपका तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी का हाल ही में विकास किया गया है। और देखिए, जो आपका ये ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी है, ये जो है अपर अनाइकट रिजर्व फॉरेस्ट में स्थित है, जो कि तिरुचिरापल्ली में कावेरी और कोल्लीडम नदियों के बीच में स्थित है। 15वां प्रश्न है कि हाल ही में लोकप्रिय मलयालम फिल्म और थिएटर अभिनेता कलिंग सासी का निधन हो गया, इनका मूल नाम क्या था। देखिए, जो आपके कलिंग सासी है, इनका मूल नाम था वी चंद्र कुमार, ठीक है, याद रखिएगा। और 16वां प्रश्न है कि अमेरिका ने यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के माध्यम से भारत को हाल ही में कितने मिलियन डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है। तो देखिए, ये अमाउंट आपका है 2.9 मिलियन डॉलर। और देखिए, जो आपका ये यूएस एड है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, देखिए इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी यूएसए में, और इसकी स्थापना 3 नवंबर 1961 हुई थी। इसके प्रशासक हैं वर्तमान में मार्क ग्रीन जी। 17वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि सिडबी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को जो है सरकारी आदेश पर कितने करोड़ रुपए तक की जो आपात कार्यशील पूंजी है ये उपलब्ध कराने का फैसला किया है। तो देखिए, ये अमाउंट आपका है 1 करोड़ रुपए। और सिडबी की बात कर लेते हैं, देखिए, जो आपका सिडबी है इसका पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, बैंकिंग के एग्जाम में पूछा है बहुत बार, ठीक है। और देखिए, जो आपका सिडबी है, इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में, स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को, और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, इनका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। 18वां प्रश्न है कि फोर्ब्स के 2020 के सबसे अमीर व्यक्ति, यानी कि द रिच लिस्ट इन 2020 में पहले स्थान पर कौन है। तो देखिए, दुनिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति है इनका नाम है जेफ बेजोस, और आपको पता ही होगा ये जो है एक कंपनी है
ई कॉमर्स कंपनी, इसका नाम है अमेजॉन, ठीक है, इसके संस्थापक हैं, ठीक है। तो जेफ बेजोस वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, इनकी संपत्ति है 113 बिलियन डॉलर। तो देखिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए, और इसमें जितने बिलियनियर्स सबकी लिस्ट सामने आपको दिख रही है, किस इनकी टोटल संपत्ति कितने बिलियन है वर्तमान में, किस देश से बिलोंग करते हैं, इनकी कंपनी कौन सी है। और बाकी यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, स्पेशली जो आपके भारत के मुकेश अंबानी हैं, ये सूची में 17वें स्थान पर है, इनकी टोटल संपत्ति कितनी है वर्तमान में, 44.3 अरब डॉलर, ठीक है। 19वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने COVID-19 से मुकाबला करने के लिए कोविड केयर ऐप लॉन्च किया है। तो देखिए जो आपका ये कोविड केयर ऐप है, इसको लॉन्च किया है अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने, और ये ऐप उपयोगकर्ताओं को जो है स्वास्थ्य की जानकारी, जैसे कि शरीर के तापमान के साथ साथ कोरोना के लक्षणों को स्वयं जांच करने में जो है सक्षम बनाता है। और अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ के जो मुख्यमंत्री, इनका नाम है पेमा खांडू, राज्यपाल है बी डी मिश्रा, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। 20वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को विजडन के द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर यानी कि लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड 2020 का खिताब दिया गया है। तो देखिए ये क्रिकेटर आपके हैं बेन स्टोक्स, और ये किस देश के क्रिकेटर हैं, देखिए जो आपके बेन स्टोक्स हैं ये एक इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, और जो आपका विजडन क्रिकेटर्स एल्मनैक है, इसने 2020 के अपने संस्करण में 2019 के प्रदर्शन के लिए इंग्लैंड के जो आपके बेन स्टोक्स हैं इनको ये सम्मान दिया है। और देखिए महिलाओं को इस श्रेणी में ये सम्मान दिया गया है ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी को, तो इन दोनों का नाम नोट कर लीजिएगा। देखिए अब तक जो है 2016, 17 और 18 तीन साल जो है जो आपके विराट कोहली थे ये जो है विश्व के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर थे, लेकिन अब जो है इनको रिप्लेस कर दिया है बेन स्टोक्स ने। और 21वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने COVID-19 एवं भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए किस चैलेंज की शुरुआत की है। तो देखिए ये चैलेंज आपका है समाधान, और इसकी खास बात क्या है, देखिए समाधान जो ये एक ऑनलाइन चैलेंज है, और इसका उद्देश्य छात्र छात्राओं में नए प्रयोगों एवं नई खोज की क्षमता को परखना तथा उस प्रयोग या फिर खोज का परीक्षण करने के लिए एक मजबूत मंच उपलब्ध कराना, इसको याद रखेंगे आप। और देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की बात हो रही है, तो मानव संसाधन विकास मंत्री का नाम भी जान लीजिए, देखिए इनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। 22वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार कोरोना वायरस संकट के कारण किस देश में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 40 करोड़ लोग जो है गरीबी में फंस सकते हैं। तो देखिए ये देश आपका भारत है, यानी कि भारत में बहुत बड़ी बेरोजगारी आने वाली है इस कोरोना वायरस के संकट से उभरने के बाद। और देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में जो बता रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए जो आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO है, इसका हेडक्वार्टर स्थित है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, हेड है इसके गाई राइडर, और स्थापना 1919 में हुई थी। 23वां प्रश्न है कि भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन अपॉइंट किए गए हैं। तो देखिए अभी हाल ही में जो है जो आपके पराग राजा हैं इनको भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का नया मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि प्रबंध निदेशक और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट किया गया है। और देखिए आपका भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, ये एक ज्वाइंट वेंचर है दो कंपनीज का, और ये कंपनी आपकी है भारतीय इंटरप्राइज और एक्सा बिजनेस ग्रुप, ये चीज़ आपको याद रखना है। और जो आपका ये भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, स्थापना हुई थी 2008 में। 24वां प्रश्न है भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो देखिए जो आपका भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान है इसको शुरू किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, और वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, ये काफ़ी हाईलाइटेड भी हैं इस समय। देखिए जो आपका ये भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान है ये क्या चीज़ है, देखिए इस अभियान के अंतर्गत उपलब्ध डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्मों पर ऑनलाइन शिक्षा के समय आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश के सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञों को सीधे सुझाव समाधान साझा करने के लिए आमंत्रित किया है। और देखिए इस अभियान के लिए समाधान और सुझाव जो आपका भारत पढ़े ऑनलाइन .mhrd@gmail.com है, ठीक है, तो इस ईमेल पर और ट्विटर पर जो है भारत पढ़े ऑनलाइन पर जो है साझा किया जा सकता है, तो आप इस पर साझा कर सकते हैं अपनी समस्याओं को भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान के अंतर्गत, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में। 25वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है। तो देखिए जो आपका ऑपरेशन शील्ड है इसको दिल्ली की सरकार ने शुरू किया है, और शील्ड में जो है हर एक अक्षर का मतलब है, इसमें एस का मतलब है सीलिंग ऑफ एरिया, एच का मतलब है होम क्वारंटाइन, आई का मतलब है आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स, और ई का मतलब है इसेंशियल सर्विस इंश्योर्ड, और एल का मतलब है लोकल सैनिटाइजेशन, और डी का मतलब है डोर टू डोर सर्वे, ठीक है,
और हिंदी में भी इसका मतलब लिखा हुआ है। बाकी आपको समझ में आ गया वो, इतना टफ इंग्लिश नहीं है क्योंकि आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, इतनी इंग्लिश तो आपको आती होगी। 26वां प्रश्न है कि भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तत्परता पैकेज के लिए भारत सरकार ने अभी हाल ही में कितनी धनराशि को मंजूर किया है। तो देखिए ये अमाउंट आपका है 15,000 करोड़ रुपए, और इसको यूज कैसे किया जाएगा। देखिए इस 15,000 करोड़ रुपए में से 7,774 करोड़ रुपए जो है अभी तत्काल यूज किए जाएंगे कोविड-19 के राहत के लिए। बाकी जो पैसा बचेगा ये पहले से तैयारी करने के लिए जो है यूज किया जाएगा 1 से 4 साल के दौरान, इसकी वैक्सीन वगैरह इकट्ठा करने के लिए और पहले से मतलब भारत को तैयार करने के लिए कि कोविड-19 अगर फिर से संक्रमण दोबारा होता है तो इस पैसे से जो है उसको तुरंत जो है मतलब जो राहत सामग्रियां खरीदी गई हैं उससे जो है राहत का काम लेना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे आप। 27वां प्रश्न है कि इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की नई प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी। तो देखिए जो कि अब कंपनी है इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस, इसकी भी हाल ही में नई प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाई गई हैं अनामिका राय राष्ट्रवर, और इन्होंने इस पद पर वरेंद्र सिन्हा का स्थान लिया है। 28वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत की जो वृद्धि दर है ये कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। तो देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र है इसने जो है चालू वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत की जो विकास की दर है यानी कि GDP की जो ग्रोथ रेट है इसको 4.8% रहने का अनुमान जताया है। और साथ ही जो आपका संयुक्त राष्ट्र है इसके अनुसार जो आपका अगला वित्तीय वर्ष होगा भारत का 2021-22 वाला, ठीक है, तो इसमें भारत की वृद्धि दर रहेगी 5.1%। 29वां प्रश्न है कि हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कोविड-19 से निपटने में भारत सरकार के प्रयासों में सहयोग करने के लिए अभी हाल ही में किसके साथ साझेदारी की है। तो देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अभी हाल ही में यह साझेदारी की है यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड के साथ में। और देखिए इस साझेदारी का जो उद्देश्य यही है कोविड-19 महामारी के खिलाफ नागरिकों को जागरूक करना, उन्हें सशक्त बनाने के लिए जनसंचार अभियान शुरू करना, और इसके लिए ब्रेक द चेन और वायरस की कड़ी तोड़ो नामक एक जो है जन संचार अभियान चलाया जाएगा इन दोनों के द्वारा मिलकर। और इन दोनों संस्थाओं के बारे में जान लीजिए, देखिए जो आपका यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फंड है, ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका के न्यूयॉर्क में, हेड है इसके वर्तमान में हेनरिटा H4, और इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और जो आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर है देखिए ये एक ब्रिटिश कंपनी है लेकिन ये भारत में अपना कारोबार करती है हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। 30वां प्रश्न है कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए ये तिथि बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, आंसर बताइए इसको पता है। देखिए ये तिथि आपकी है 10 अप्रैल, 10 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे यानी कि विश्व होम्योपैथी दिवस, और 2020 के लिए विश्व होम्योपैथी दिवस की थीम रखी गई है लिंकिंग रिसर्च विथ एजुकेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस एडवांसिंग साइंटिफिक कोलेबोरेशन। और देखिए जो आपका 10 अप्रैल का दिन है ये बहुत ही खास है क्योंकि 10 अप्रैल को होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती को चिन्हित करने के लिए पूरे विश्व में जो है इस विश्व होम्योपैथी दिवस को मनाया जाता है। देखिए जो आपके सैमुअल हैनीमैन है इनका जन्म हुआ था जर्मनी में, और ये एग्जाम में पूछा भी गया कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। 31वां प्रश्न है किस राज्य के पूर्व विधानसभा में डिप्टी स्पीकर हजारी लाल रघुवंशी का निधन हो गया। तो देखिए जो कि हजारी लाल रघुवंशी हैं ये जो है मध्य प्रदेश सरकार में जो है डिप्टी स्पीकर रह चुके थे और रिसेंटली इनका निधन हो गया है। 32वां प्रश्न है हाल ही में रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के पूर्व कोच रेडोमीर एंटिक का निधन हो गया, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो देखिए आपके रेडोमीर एंटिक का इनका जन्म हुआ था सर्बिया में, और इनका जन्म 22 नवंबर 1948 को सर्बिया यानी कि रिपब्लिक ऑफ सर्बिया के जिस्टिस्ट में हुआ था। और 33वां प्रश्न है कि गूगल किस देश की कंपनी है, आंसर बताइए। देखिए जो आपकी गूगल है ये एक अमेरिकन कंपनी है, और उसके बारे में अपडेट क्या है। देखिए अभी हाल ही में गूगल ने जिनको जिन लोगों को कम दिखाई देता है या फिर जो लोग अंधेपन से ग्रस्त हैं तो ऐसे एंड्रॉयड फ़ोन उपयोगकर्ताओं के लिए गूगल ने एक वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च किया है जो कि कुछ इस प्रकार से दिखेगा। और ये नया कीबोर्ड जो है ये इन लोगों को बिना किसी अतिरिक्त हार्डवेयर के फ़ोन पर टाइप करने में मदद करेगा। और गूगल की बात करें तो देखिए वर्तमान में इसके CEO हैं सुंदर पिचाई, मुख्यालय इसका संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में। 34वां प्रश्न है द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए इस पुस्तक को लिखा है मैरी जार्डन ने, ठीक है, और देखिए जो आपकी ये पुस्तक है ये मेलानिया ट्रंप के 100 साक्षात्कारों पर आधारित है, और ये सभी साक्षात्कार किसने लिए थे, मैरी जार्डन ने लिए थे। और आपको बता दूँ जो आपकी ये मेलानिया ट्रंप है ये कौन है, देखिए मेलानिया ट्रंप जो है ये डोनाल्ड ट्रंप की बीवी हैं, और डोनाल्ड ट्रंप कौन है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। 35वां प्रश्न है नेशनल सेफ मदरहुड डे यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस किस तिथि को मनाता है। तो देखिए ये तिथि आपकी है 11 अप्रैल, ठीक है,
और देखिए भारत सरकार ने 2003 में कस्तूरबा गांधी की जन्म वर्षगांठ 11 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में घोषित किया था। ये चीज़ आपको याद रखना है। 3600 रन है फीफा के द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है, तो देखिए भारत की रैंकिंग याद रखना है, भारत इसमें 108वें स्थान पर है, ठीक है। और फीफा की इस नवीन रैंकिंग में बेल्जियम पहले स्थान पर है, फ्रांस दूसरे स्थान पर है, ब्राजील तीसरे स्थान पर है। फीफा की बात कर लेते हैं, देखिए फीफा के प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो, सेक्रेटरी जनरल है फीफा के फातमा समूरा, और हेडक्वार्टर फीफा कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड के जूरिश में। 37वां प्रश्न है कि हाल ही में शांति हीरानंद चावला का निधन हो गया, वो क्या थी, तो देखिए जो कि शांति हीरानंद चावला हैं ये ठुमरी दादरा और गजल गायक थी, और रिसेंटली इनका जो है निधन हो गया है। देखिए इन्होंने जो है बेगम अख्तर से ठुमरी दादरा और गजल गायन की शिक्षा ग्रहण की थी, और इन्होंने बेगम अख्तर द स्टोरी ऑफ माई अम्मी नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। 38वां प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने डिजीजन नामक एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो देखिए ये बैंक आपका है जन लघु वित्त बैंक, और जब कहिए डिजीजन नामक बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म, इसका यूज क्या होगा। देखिए इस प्लेटफॉर्म पर जो लोग कस्टमर बनना चाहते हैं जन लघु वित्त बैंक के, तो ये जो है अपना इस बैंक में खाता खोल सकते हैं डिजीजन के माध्यम से, वहाँ पे अपना सावधि जमा खाता भी खोल सकते हैं कभी भी और किसी भी समय। 39वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने COVID-19 के लिए नाडी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो देखिए जो आपका ये नाडी मोबाइल एप्लीकेशन है इसको लॉन्च किया गया अभी हाल ही में पुदुचेरी की सरकार के द्वारा। 40वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के जूनागढ़ जिले के एक किसान वैज्ञानिक, इनका नाम है वल्लभ भाई वसरम भाई मरवानिया, ने जो है एक बायो फोर्टिफाइड गाजर विकसित किया है। देखिए ये गाजर विकसित किया है गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले के जो आपके ये किसान है वल्लभ भाई वसरम भाई मरवानिया ने, और इस गाजर की विशेष बात क्या है, देखिए जो आपका ये कैरेट यानी कि गाजर है, तो इस गाजर को स्थानीय रूप से मधुबन गाजर नाम दिया गया है, और ये बीटा कैरोटीन और आयरन से भरपूर है। देखिए जिन फलों में बीटा कैरोटीन अधिक होगा उसमें विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाएगा, आपकी आंखों की रोशनी के लिए वो बहुत ही फायदेमंद होगा। देखिए अक्सर एक मिथ देखा है मैंने, लोग कहते हैं कि काला गाजर आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, भैया जब उसमें बीटा कैरोटीन होगा ही नहीं, विटामिन ए होगा ही नहीं, तो आपके आँख के लिए फायदा क्या करेगा वो। तो पीला गाजर जो है चाँप के दबा के खाइए, बिल्कुल हलवा बना के खाइए, फिर डायरेक्ट खाइए सलाद में, और लेकिन खाइए जरूर, ठीक है। देखिए गाजर में जो आपका ये बीटा कैरोटीन है और आयरन है ये प्रचुर मात्रा में है, जिसका नाम है मधुबन गाजर, और इसकी औसत पैदावार है 40 से 50 टन प्रति हेक्टेयर। 41वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आगामी रबी खरीद सीजन के दौरान जो है किसानों के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन 1800-180-2060 स्थापित किया है, तो देखिए इसको स्थापित किया है हरियाणा की सरकार के द्वारा। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम मौ से शुरू होता है, इनका पूरा नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इनका पूरा नाम क्या है। 42वां प्रश्न है ऑक्सफोर्ड COVID-19 गवर्नमेंट रिस्पांस ट्रैकर के अनुसार कौन सा देश पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से लड़ने में सबसे मजबूत देश बनकर उभरा है, इस देश का नाम बताइए। देखिए आपको बताइए भारत जो है ये कोरोना वायरस से लड़ने में वर्तमान में नंबर वन पे है, क्योंकि ये सबसे कम केसेस भारत में ही है, और देखिए जो ये डाटा प्रस्तुत किया गया है ऑक्सफोर्ड COVID-19 गवर्नमेंट रिस्पांस ट्रैकर का, ठीक है, तो ये जो है कुल 73 देशों की ट्रैकिंग पर आधारित है, और ये ट्रैकर जो है इसको ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ब्लावर्टन स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के जो है शोधकर्ताओं के द्वारा बनाया। 43वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट सुविधा को अपनाने का आग्रह करने के लिए एक ट्विटर अभियान शुरू किया है, इस अभियान के प्रचारक कौन बनाए गए हैं, तो देखिए इस डिजिटल पेमेंट सुविधा को अपनाने के अभियान के जो है प्रचारक बनाए गए हैं अमिताभ बच्चन जी। और 44वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के लोक गायक जान प्राइन का COVID-19 के कारण निधन हो गया, तो देखिए जो आपकी जान प्राइन है ये एक अमेरिकी जो है लोक गायक यानी कि फोक सिंगर थे, इनका निधन हो गया है कोरोना वायरस के संक्रमण से। 45वां प्रश्न है कि हाल ही में सार्क डेवलपमेंट फंड ने अपने सदस्य देशों को COVID-19 संबंधित परियोजनाओं के लिए कितने मिलियन डॉलर की धनराशि आवंटित की है, तो देखिए ये अमाउंट आपका है 5 मिलियन डॉलर, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और देखिए जो आपका ये सार्क डेवलपमेंट फंड है, ठीक है, ये सार्क का एक जो है संगठन है, और सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, और सार्क के सदस्य देश कौन से हैं, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, और भारत है, ठीक है। और देखिए जो आपका सार्क है इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, हेडक्वार्टर है नेपाल के काठमांडू में। 46वां प्रश्न है कि हाल ही में ट्राइफेड के द्वारा किसके साथ मिलकर स्वयं सहायता समूह के लिए एक डिजिटल संचार रणनीति विकसित की गई है, तो देखिए बिहारी में ट्राइफेड के द्वारा यूनिसेफ के साथ मिलकर स्वयं सहायता समूहों के लिए
एक डिजिटल संचार रणनीति जो है विकसित की गई है। और देखिए आपको बता दूं, जो आपका ये साझेदारी हुआ है इसका उद्देश्य है सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व को उजागर करना। देखिए जितने भी स्वयं सहायता समूह हैं इसमें बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, जब इकट्ठा होते हैं तो पास पास में बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो इनको जो है अवेयर करना कि भैया पास पास मत बैठो, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखो ताकि इस कोरोना वायरस का संक्रमण ना हो, तो यही इन दोनों का मेन टारगेट है। और देखिए यूनिसेफ के बारे में आपको बता दूँ एक बार फिर से, यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फंड, इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका के न्यूयॉर्क में, हेड है हेनरी टैचफोर, फाउंडेड है 11 दिसंबर 1916, ठीक है, तो ये डेट याद रखिएगा। और जो ये ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है, यानी कि ट्राइफेड है, देखिए ये जो है जनजाति मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत जो है आने वाला एक राष्ट्रीय स्तर का एक प्रमुख संस्था है, और इसे 1987 में स्थापित किया गया था और ये अप्रैल 1988 से संचालित है। 47वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने COVID-19 से निपटने के लिए एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आई गॉट लॉन्च किया। तो देखिए आपका ये आई गॉट है, इसको लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने, और इस प्लेटफॉर्म पर जो है पहुंचा सकता है igov.in पर जो है एक्सेस करके। और देखिए आपको बता दूं, जो आपका ये आई गॉट प्लेटफॉर्म है ये सभी COVID-19 कार्यकर्ताओं के लिए COVID-19 से लड़ने के लिए तथा उन्हें महामारी से निपटने में प्रशिक्षण और अपडेटों से जो है लैस करने के लिए लॉन्च किया गया है जो केंद्र सरकार के द्वारा इस आई गॉट प्लेटफॉर्म को। 48वां प्रश्न है सैनिटाइजिंग टनल यानी कि वॉकिंग थ्रू मास सैनिटाइजिंग टनल जो है इसको स्थापित करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन है। तो देखिए ये रेलवे स्टेशन आपका है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। और देखिए जितने भी न्यूज़ होते हैं सारी चीज़ें, ठीक है, इनको मैं बहुत ही डिटेल बताता हूँ डेली करंट अफेयर सेशन में, तो आप अगर उससे नहीं जुड़े हैं तो उसको उससे जरूर जुड़ जाइए, डेली 5 बजे आपको उसकी अपडेट मिलती है और हर न्यूज़ को वहाँ पे जो बहुत डिटेल बताया जाता है। अब ये बात कर रहे हैं सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करने वाले पहले रेलवे स्टेशन के बारे में। तो देखिए ये रेलवे स्टेशन आपका है गुजरात का अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। और देखिए ये टनल जो है कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे एंट्री गेट है इन लिखा हुआ है, यहाँ से आप जब घुसेंगे तो इसमें जो है एक मशीन होगी स्प्रे करने वाली, वो फॉगी करने लगेगी और आपके पूरे बॉडी को जो है ये स्टेरलाइज कर देगी, यानी कि जितने भी आपके शरीर पे वायरस बैक्टीरिया फंगस वगैरह लगे होंगे उनको जो है किल कर देगी, ठीक है। और इस सैनिटाइजिंग टनल को जो है COVID-19 के मद्देनजर कर्मचारियों और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया है। 49वां प्रश्न है कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के किस पूर्व गवर्नर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाहरी सलाहकार समूह यानी कि एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप में शामिल किया गया है। तो देखिए ये RBI के पूर्व गवर्नर आपके हैं रघुराम जी राजन, और इनके बारे में दो खास बातें हैं। देखिए जो आपके रघुराम जी राजन हैं ये 3 सालों तक भारतीय रिजर्व बैंक के जो है गवर्नर रहे थे, और ये वर्तमान में जो है जो आपका शिकागो विश्वविद्यालय है वहाँ पर प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें तो देखिए इसका मुख्यालय है Washington DC USA में, स्थापना हुई थी इसकी 27 दिसंबर 1945 को। 50वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध F1 रेसिंग ड्राइवर सर स्टर्लिंग मास का निधन हो गया। तो देखिए जबकि सर स्टर्लिंग मास थे ये एक ब्रिटेन के जो है F1 यानी कि Formula 1 रेसिंग ड्राइवर थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। देखिए जबकि स्टर्लिंग मास हैं इनको वर्ष 1961 में BBC की स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का जो है अवार्ड दिया गया था। 51वां प्रश्न है कि हाल ही में द कैट के नाम से मशहूर फुटबॉलर पीटर बोनेटी का निधन हो गया, ये किस देश के निवासी थे। तो देखिए जबकि पीटर बोनेटी हैं ये ब्रिटेन के निवासी थे और ये इंग्लैंड की 1966 की विश्व कप टीम के विजेता थे फुटबॉल वाले, और इनकी सुरक्षित हैंडलिंग, तीव्र सजगता और इनकी सुंदर शैली के कारण इन्हें द कैट के नाम से जाना जाता था। और 52वां प्रश्न है कि अभी हाल ही में किस व्यक्ति को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दोबारा जो है कर्नाटक बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अपॉइंट किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं महाबलेश्वर MS, और देखिए इनकी नियुक्ति 3 सालों के लिए हुई है। और कर्नाटक की बात करें तो देखिए इसका हेडक्वार्टर है कर्नाटक के मंगलुरु में और इसके CEO है वर्तमान में महाबलेश्वर MS, जिनका नाम आपने जान ही लिया है। टैगलाइन इस बैंक की योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। 53वां प्रश्न है कि प्रसार भारती ने दूरदर्शन पर पुराने मशहूर TV प्रोग्रामों को प्रसारित करने के लिए अभी हाल ही में कौन सा चैनल शुरू किया है। तो देखिए इस चैनल का नाम है DD Retro, ठीक है, और देखिए जो आपका DD Retro है इस पर पौराणिक महाकाव्य रामायण, महाभारत, ऐतिहासिक नाटक चाणक्य, सुपर हीरो सीरीज शक्तिमान को जो है दिखाया जाएगा, ठीक है, यानी कि जितने भी पुराने TV सीरियल है मशहूर TV सीरियल प्रोग्राम उनको प्रसारित किया जाएगा DD Retro पर। 54वां प्रश्न है कि हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने COVID-19 से संबंधित प्रयासों और पहलों की निगरानी के लिए कौन सी वेबसाइट लॉन्च की है। तो देखिए जो आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय है इसने बिहारी में युक्ति नामक एक वेबसाइट लॉन्च की है और युक्ति का पूरा नाम है यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। और देखिए इस युक्ति प्लेटफॉर्म की खास बात क्या है,
देखिए, इस पोर्टल का उद्देश्य है बेहद समग्र एवं व्यापक तरीके से कोरोना वायरस यानी कि COVID-19 की विभिन्न चुनौतियों के विभिन्न आयामों को कवर करना। और देखिए, भारत के जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, इनका नाम मैंने आपको पहले ही बताया, दो बार फिर से जान लीजिए, इनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। काफ़ी एक्टिव हैं ये पूरे कोरोना वायरस संक्रमण के इस लड़ाई के दौरान, ठीक है। 55वां प्रश्न है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए, आपका इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस है ये 12 अप्रैल को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? देखिए, सोवियत संघ के एक जो है नागरिक थे, इनका नाम था यूरी गागरिन। तो इन्होंने 12 अप्रैल 1961 को वोस्टॉक नामक एक अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष के लिए पहली उड़ान भरी थी, और इसके साथ ये दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए थे अंतरिक्ष में जो पहुंचे थे, ठीक है। तो इन्हीं को याद करने के लिए, इस घटना को याद करने के लिए फिर 12 अप्रैल को हर साल मनाया जाने लगा इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ठीक है। 56वां प्रश्न है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु आवेदन करने में कौन सा देश पहले स्थान पर था? तो देखिए, ये देश आपका है चीन यानी कि चाइना, ठीक है। फिर से सुनिए ध्यान से, देखिए, जो आपका विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है इसके मुताबिक पूरा जो आपका 2019 का साल था, ठीक है, इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु आवेदन करने के लिए करने के मामले में जो है जो आपका चीन है ये पहले स्थान पर है इसमें। और देखिए, इस मामले में जो आपका अमेरिका ये दूसरे स्थान पर था, जापान तीसरे स्थान पर था, और जर्मनी चौथे स्थान पर था, दक्षिण कोरिया पांचवें स्थान पर था, ठीक है। और देखिए, जो आपका 2019 का वर्ष रहा, इसमें जो है चीन ने पेटेंट हेतु कुल 58,990 आवेदन किए थे, जबकि अमेरिका ने कुल 57,840 आवेदन किए थे। तो ये थे अप्रैल के सेकेंड वीक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर हैं। और देखिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और एक ज़रूरी काम, देखिए, इस वीडियो की जो लिंक है इसको तुरंत कॉपी कीजिए, और इसको जितने भी टेलीग्राम चैनल्स वगैरह हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं और व्हाट्सएप ग्रुप हैं, वहाँ पे सारे जगहों पे जो है इसको शेयर कर दीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट जो है इससे जुड़ें और इससे लाभ लें। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सभी सोशल मीडिया की लिंक यानी कि टेलीग्राम फेसबुक की लिंक मिल जाएगी आपको, वहाँ पर क्लिक कीजिए और इन सबको ज्वाइन कर लीजिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड कीप सेफ फ्रॉम COVID-19।